power shuttling between the BJP. Well, news just coming in. We are told that the Congress has said that it has always worked for development, and in fact, with power shuttling between the BJP and the Congress in the Hill State, battleground Uttarakhand is now heating up. This latest comment, of course, is coming in from the Congress party. Kadam kadam badhai ja. कांग्रेस का झंडा उठाए जा। 2017 से आपने कहा कि अनुभव लिया है, कुछ गलतियां भी है, वो आते भी आपने साझा की कांग्रेस में, क्या कुछ? हम एक स्वच्छ स्वस्थ उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम करेंगे और उसके लिए हम हर तरीके के जो इस राज्य के अंदर अतीत में होता रहा है, हम एक ऐसी सरकार देंगे जो सरकार भाई भतीजावाद से मुक्त होगी, जो सरकार जो है भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। हम एक स्वच्छ और स्वस्थ सरकार देंगे। पिछले 5 सालों में 7 सालों में उत्तराखंड के लिए केंद्र से हो या प्रदेश से हो, बहुत सारी योजनाओं पर काम हुआ है, जनहित के काम हुए हैं। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं की यहाँ स्वीकृति हुई है। चाहे आज सड़कों की बात हो, पहले की लोगों ने पहले के समय की भी सड़कें देखी थी, आज की सड़कें भी लोग देख रहे हैं। किस प्रकार से आज दिल्ली देहरादून हो, चाहे दिल्ली से हरिद्वार हो, या हमारे चार धाम को जाने वाली सड़कें हों, या टनकपुर से पिथौरागढ़ जाने वाला हाईवे हो, या चाहे हमारा रुद्रपुर काशीपुर होते हुए हरिद्वार आने वाला हाईवे हो, काठगोदाम से रामपुर का हाईवे हो, सभी सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर जो सड़कों का जाल बिछा है, ऑल वेदर रोडों में भारतमाला जो श्रृंखला है, भारतमाला श्रृंखला में अभी बहुत सारी रोडें प्रस्तावित हैं जो स्वीकृत हो गई हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर वैक्सीनेशन का काम हुआ है, प्रदेश के अंदर हुआ है, और अवस्थापनाई सुविधाएं, चाहे ऑक्सीजन के प्लांट हों, कंसंट्रेटर हो, सिलेंडर हो, आईसीयू बेड हो, जिस तेज़ी से बने हैं, ये सब लोगों ने देखा है। हमने भी बहुत सारी योजनाओं पर काम किया है, चाहे हम बात्सल्य योजना की बात करें, चाहे आज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात करें, और बहुत सारी योजनाएं जिनको हम गिनाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए, जो लोग कभी उत्तराखंड राज्य के हितैषी नहीं थे, एक भी जिन्होंने कभी बयान नहीं दिया, एक बार भी समर्थन नहीं किया कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए, आज चुनाव को देखकर उनको उत्तराखंडियत याद आ रही है, तो जनता यहाँ की भली भांति समझती है और कांग्रेस के काले कारनामे और उनकी सरकार के किए हुए सारे कारनामे लोग जानते हैं। भगवान चमकेश्वर महादेव के मंदिर में हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कितना है पुष्कर सिंह धामी को विश्वास कि वापस आ रही है उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार? पूरा विश्वास आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे चेहरे पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमें उत्तराखंड की जनता पर पूरा उनका आशीर्वाद मिलेगा, हर प्रकार से मिलेगा, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने अच्छे भाव के साथ और एक जो हमारा मन होता है, मनसा वाचा कर्मणा, इसके साथ हमने काम किया है।